नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग के बीच मारे गए एक भारतीय युवक की। रूस में भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हरियाणा का एक युवक यूक्रेन युद्ध के दौरान मारा गया। दरअसल 22 साल का रवि मौर कैथल जिले के मोटौर गांव का रहने वाला था, जो घर वालों के दावे के मुताबिक रूस इसी साल जनवरी महीने में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नौकरी करने के लिए वहां गया था, जहां उसकी जबरन रूसी सेना में एंट्री करा दी गई, ताकि जारी रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रवि को लगाया जा सके। हरियाणा कैथल के रवि मौर गांव के 6 अन्य युवकों के साथ इसी साल रूस गए थे, जहां पे उनको रोजगार की तलाश थी, पर एजेंट ने उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर रूसी सेना में भर्ती करा दिया। इस बीच जंग में मौत के बाद रवि के शव को भारत ले आने के लिए सामान्य प्रक्रिया जारी है, और शायद जल्द ही मेडिकल जांच के पश्चात शव भारत पहुंच भी जाएगा। वैसे रूस यूक्रेन जंग में भारतीय नागरिकों की मौत का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 भारतीय नागरिकों की जंग के दौरान मौत होने की पुष्टि की थी, जो रूस तो इस उम्मीद में गए थे कि उन्हें वहां काम करने के लिए भारी भरकम रकम मिलेगी, पर अवैध तरीके से उन्हें रूसी सेना के साथ यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। वहीं इस प्रकरण के सुर्खियों में आने के बाद एजेंट्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से वो भोले भाले युवाओं को रोजगार के नाम पर युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। अब जारी प्रकरण में कैथल पुलिस ने इस मामले में एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी की पहचान हो चुकी है, जो रवि मौर के ही गांव का रहने वाला है। इस बीच भारतीयों के रूसी सेना में फंसे होने के बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी संसद सत्र के बीच देश को ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो सकती है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक मीटिंग के दौरान भारतीयों की रूसी सेना से वापसी का मुद्दा उठाया था। इसके बाद इस पर सहमति भी बन गई थी। विदेश मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना में फिलहाल 30 से 40 भारतीय सेवा दे रहे हैं, जो वतन वापसी करना चाहते हैं। वैसे खबरों के मुताबिक पिछले साल करीब कई भारतीय युवाओं को रूसी सेना में शामिल किया गया था, जहां उनकी नौकरी अभी भी वहां की सेना में नहीं दिखाई जाती, बल्कि उन्हें पर्यटक वीजा पर ही रखा जाता है, जबकि इन नौजवानों की भर्ती उन्हीं केंद्रों के जरिए की गई है, जिससे रूस अपनी सेना में जवानों की भर्ती करता आया है।